What is chromosome? You are familiar with chromosome. Chromosome DNA है और इस DNA के इर्द गिर्द हिस्टोन प्रोटीन होता है. तो ये DNA यानी न्यूक्लिक एसिड और ये हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम क्या है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन है. अच्छा, क्रोमो प्रोटीन का मतलब है कोई कलर्ड मटेरियल प्रोटीन के साथ अटैच है. मेटालो प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन के साथ कोई मेटल अटैच है. डिराइव्ड प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, ये प्रोटीन की तीसरी किस्म डिराइव्ड प्रोटीन. अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, कंप्लीटली नहीं पार्शली हाइड्रोलाइज करें, तो हाइड्रोलिसिस पे जितने प्रोडक्ट बंद पार्शल हाइड्रोलिसिस पे, याद रखना है पार्शल हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन. यानी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. प्रोटीन की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं. हमारी बॉडी का जो नॉन बोनी पार्ट्स हैं, यानी हड्डियों के अलावा जो और हिस्सा है, उसका मोर देन 50% प्रोटीन है. हमारे नेल,
बाल, स्किन, ये सब कुछ प्रोटीन है, यानी ये बॉडी बिल्डर है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन ये बॉडी रेगुलेटर है, बॉडी रेगुलेटर, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स ये लिविंग कैटलिस्ट है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स स्टोरेज डेपो है, लाइफ फेरिटिन, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ सीरोप्लाज्मिन जो कॉपर को स्टोर करता है। केमिकल इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उन्हें रिसीव करता है, इन द फॉर्म ऑफ फेरोमोन्स। इन शॉर्ट, प्रोटीन के बगैर कोई जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। प्रोटीन की खूबियां क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन। अगर मैं ये मालूम करना चाहूं कि ये जो मेरे पास कंपाउंड है ये प्रोटीन है कि नहीं है, तो मैं इसकी खूबियों को देखूंगा। अगर इसमें वो खूबियां मौजूद होगी तो ये कंपाउंड प्रोटीन डिक्लेयर होगा, अगर नहीं है तो ये कंपाउंड प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन की खूबियां कौन कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की खूबियां। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कोलाइडल साइज। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडल साइज, कोलाइडल साइज से क्या मुराद है, इसका मॉलिक्यूलर साइज 10 एंगस्ट्रम से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के बीच हो। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज ये फिक्स रहता है, कितना रहता है, 14-16% ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि प्रोटीन एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक वो इस बेस पे कहते हैं, इस बेस पे, ये बेस आप, ये मैंने एक अमाइनो एसिड लिखा, ये अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में यू एग्जिस्ट करता है, ये एच प्लस, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये एच प्लस लॉस करेगा और ये एच प्लस एक्सेप्ट और ये बनाएगा ये चीज, ये NH2 है तो इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, ये अमाइनो एसिड और ये आयन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। इस पर्टिकुलर आयन को कहते हैं ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन। एक ही आयन में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है।
तो ये इस बेस पे इसको एम्फोटेरिक कहते हैं कि ये एच प्लस देता भी है लेता भी है, लेकिन ये बात सारे प्रोटीन पे अप्लाई नहीं होता। बास प्रोटीन एसिडिक भी होते हैं, बास बेसिक भी होते हैं। बुक में सिर्फ एम्फोटेरिक का कहा गया है। प्रोटीन में अगर हम किसी हैवी मेटल का साल्ट डाल दे या उससे हीट करे तो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कोगुलेट होते हैं when a heavy metal salt is added or when it is heated, और ये highly sensitive होते हैं to pH। अब जिस भी कंपाउंड में ये वाली खूबियां होगी, that particular compound will be declared as protein। ये सारी खूबियां होनी चाहिए तब जाके कंपाउंड प्रोटीन कहलाता है।